ये जो फ्रेम आप देख रहे हो, इन सभी तक आप देखते आए हो, ये शायद आज आप आखिरी बार देख रहे हो। हमने अपनी महिंद्रा थार 4X2 सेल कर दी है। जब उन्होंने जो प्राइस बताया है ना, तो वो सुन के ये ना, ये कान देख रहे हो ना, ये फट गए मेरे, यहाँ से खून आने लग गया। महिंद्रा थार की जो वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अभी आपको चैनल में इंटरनेशनल ट्रिप्स दिखने वाली हैं। इंटरनेशनल हम ट्रैवल करेंगे तो हम इंटरनेशनल व्लॉग्स भी बनाएंगे। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल आप सबके? आई होप कि आप सही होगे, बढ़िया होगे, मजे में होगे। बट भाई आज मैं ना थोड़ा सा सैड सैड हूँ। आई नो मैं थंबनेल में डाल ही दूंगा कि मैं क्यों सैड हूँ। तो सैड भाई मैं इसलिए हूँ कि यस, ये जो फ्रेम आप देख रहे हो, इन सभी तक आप देखते आए हो, ये शायद आज आप आखिरी बार देख रहे हो। बट ठीक है, कोई बात नहीं, ये फ्रेम आखिरी बार देख रहे हो ना, बट हमें आप अभी बहुत से नए नए फ्रेम्स में आगे चल के देखोगे। तो हाँ जी गाइस, हमने अपनी महिंद्रा थार 4X2 सेल कर दी है। हाँ जी, तो गाइस अभी मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा, सारी डिटेल्स दूंगा कि हमने क्यों सेल की, हमें क्यों सेल करनी पड़ी। और सबसे बड़ी चीज़, लास्ट वीडियो में जो आपने देखा था कि स्पिनी वाले भाई आए थे, उनको दी या किसी और को दी, तो वो सब कुछ आपको आगे मैं बताऊंगा। उन्होंने क्या प्राइस दिया, सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भाई वीडियो में बने रहना, स्टे ट्यून्ड। अभी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल बताने वाला हूँ। एंड भाई जो नई ऑडियंस जुड़ रही है, तो प्लीज़ भाई याद से ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल सब्सक्राइब करते नहीं है बट वीडियो देखते हैं। तो यार आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना, तो मोटिवेशन मिलती है, ठीक है जी। तो आगे जो नए नए कंटेंट आएंगे तो आप देखोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा ना, और मज़े के साथ पैसे भी आएंगे, समझा करो यार फीलिंग को। भाई चंडीगढ़ में रहने का एक फ़ायदा तो है, खैर अब फ़ायदा समझ लो या नुकसान समझ लो, भाई मिनटों में धूप आ जाती है, मिनटों में बारिश हो जाती है। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, एक घंटे पहले इतनी बारिश हुई है और एक घंटे बाद देखो कितनी धूप आ गई। तो यार खूबसूरत है, खैर चंडीगढ़ का क्लाइमेट भी खूबसूरत है, बाकी शहर तो है ही है यार। So guys, मैं अब आपको बता देता हूँ, yes, ये बात सच है। इस चैनल में ये वाली गाड़ी महिंद्रा थार 4X2 मेरी मोस्ट फेवरेट गाड़ी भाई। आप शायद शायद नहीं वैसे, yes, आप आखिरी बार देख रहे हो। फिलहाल कहा था ना बारिश हुई थी भाई, गाड़ी वॉश कराई, उसके बावजूद देखो क्या हाल है। ऑब्वियसली वॉश कराने के बाद बारिश होगी तो यार गाड़ी हमारी फिर से गंदी होगी, क्योंकि अब ये किसी और के यहाँ जाएगी। तो भाई अपना तो फ़र्ज़ यही है ना कि इसको अच्छे से वॉश करा के ही भेजें। बट अनफॉर्चुनेटली गाइस, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गाड़ी हमारी अब हमारी नहीं रहेगी, अब ये किसी और के पास जा रही है। गाइस पहले तो यार अंदर ही चलते हैं, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, अंदर चल के ही आपको सारी बातें बताता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब हमने इस गाड़ी को सेल करने का प्लान किया, तो मैंने स्पिनी में कॉल की थी। स्पिनी की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी, बट मुझे ये भी पता था कि स्पिनी और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स बने हैं, चाहे कार्स 24 हो, चाहे स्पिनी हो, चाहे कोई भी हो, ये पैसे उतने खास देते नहीं हैं। चलो मैंने कंटेंट के लिए स्पिनी को कॉल की, एंड उसमें बंदा इंस्पेक्शन करने आया, आपने लास्ट वीडियो देख ही लिया होगा। तो भाई सारा कुछ ओके था, उन्होंने भाई ने इतनी तारीफ की कि आपकी गाड़ी ये, आपकी गाड़ी वो, एकदम ब्रांड न्यू है। खैर ब्रांड न्यू है, इसमें कोई कहने वाली बात भी नहीं है। उसके बाद जब वो जाने लग गया, तो उसने मेरे को ये चीज़ बताई कि आपको कॉल जो आएगी, मतलब प्राइस के लिए जो कॉल आएगी, वो आएगी आपको 24 घंटे के अंदर। मीन्स वो शाम में इंस्पेक्शन करके गया था, आई गेस 4 या 5 बजे के आसपास। तो उसने ये मेरे को बोला था आपको मॉर्निंग में ही कॉल आएगी प्राइस के लिए। बट मज़े की बात यह है, उसके जाने के हार्डली 5 से 7 मिनट बाद मेरे को कॉल आ गई थी कंपनी से प्राइस के लिए। और भाई जब उन्होंने जो प्राइस बताया है ना, तो वो सुन के
ये ना, ये कान देख रहे हो ना, ये फट गए मेरे, यहाँ से खून आने लग गया। आप सोच सकते हो उन्होंने क्या प्राइस बताया? मैं मजाक कर दिया भाई, मेरे को अब एक्चुअल में याद नहीं है, बट उन्होंने समथिंग 9, 9.5 या 9.5 लाख के आसपास इसका प्राइस दिया। मैंने मना कर दिया, भाई कोई सेंस ही नहीं बनता इतने की, तो मैं बेचूंगा ही नहीं। फिर कुछ घंटे बाद मेरे पास उनका फोन आया, फिर उन्होंने 10, 10.5 लाख के आसपास मेरे को कोट किया। बट भाई मजे की बात ये है कि ये वीडियो डालते ही, मींस पुरानी वीडियो डालते ही, मेरे पास भाई कॉल्स ही कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई। कुछ मैंने अपने पर्सनल लोगों से भी बोला था, तो एक या दो दिन के अंदर ऐसे करिश्मे हो गए, इतनी कॉल्स, मतलब सच में भाई इस चीज को तो मैं कह सकता हूं कि महिंद्रा थार की जो वैल्यू है ना, वो बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इस गाड़ी की डिमांड अदर स्टेट्स में भी है या नहीं है, बट ये बात तो सच है भाई, महिंद्रा थार की जो डिमांड है ना पंजाब में, एटलीस्ट पंजाब चंडीगढ़, इस जो हमारी जो पूरी ये बेल्ट है भाई, सुपर्ब सुपर्ब कह सकता हूं ना, सुपर्ब। अबे आपको जब गाड़ी बेचनी है ना, तो आपको पता होता है कि हाँ भाई, अब आज आपने अगर सोचा है, प्लान किया है कि गाड़ी आप सेल करोगे, हफ्ते 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं भाई। मेरे साथ घंटों में गेम हुआ है, घंटों में, जिस भाई से मेरी बात हुई बेचने के लिए, घंटों में मेरी गाड़ी का सारा कुछ हो गया। तो भाई ये सब सोच के साथ हमें ये गाड़ी बेचनी पड़ रही है। बट चलो, मैं प्राइस नहीं डिस्क्लोज कर सकता कि मैंने कितने की बेची, बट आप एक चीज़ ये समझ लो कि एक बहुत अच्छे हैंडसम अमाउंट में मैंने अपनी गाड़ी को सेल किया है, क्योंकि मुझे पता था भाई कि मैंने अपनी गाड़ी कैसे रखी है, किस तरह से चलाई है। तो जो बायर था, जिसने लेनी थी ये चीज़, उसको भी समझ में आ गई, क्योंकि उसने गाड़ी मेरी जब चलाई, हार्डली एक राउंड मारा, गोल चक्कर मारा, उसको ये समझ में आ गया भाई कि इस गाड़ी का क्या स्टेटस है। तो भाई चीज़ें अपने आप बोलती हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ जी, चलो अब सोच के साथ ये गाड़ी आज आप आखिरी बार देख रहे हो इस चैनल में, बट आगे आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ देखोगे। और मेन चीज़ आप ये सोच रहे होगे कि ये गाड़ी मैं सेल क्यों कर रहा हूँ जब मुझे इतनी पसंद थी। तो गाइज़, यस, मेरे को फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए मेरे को आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है, जिस वजह से मेरे को अपनी ये गाड़ी सेल करनी पड़ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में ये गाड़ी चलाने वाला सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं है। तो अगर आप लॉजिकली इस चीज़ को सोचोगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, खड़ी गाड़ी की EMI देने का कोई सेंस नहीं है, कोई भी सेंस नहीं बनता भाई, कि आपके घर पे आपकी गाड़ी खड़ी है और आप उसकी EMI पे कर रहे हो। और EMI भी कोई ये नहीं है कि 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 है, अच्छा अमाउंट होता है EMI का। और दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी खड़े खड़े भी भाई ख़राब होती है। डीजल इंजन, जो लोग जानते हैं डीजल इंजन के बारे में, तो आप सब जानते होंगे कि भाई डीजल इंजन खड़े खड़े प्रॉब्लम करने लगता है। पेट्रोल इंजन के लिए गाइज मैं मान सकता हूँ कि अगर 2-3 महीने भी खड़ी है ना, तो ऐसा सच कोई इशू होता नहीं है, बट डीजल इंजन अगर 2-4 महीने खड़ी भी कर दी ना कुछ इश्यूज उसमें आने लगते हैं। बाकी गाइज आप जानते ही हो कि इसमें BS6 Phase 2 इंजन है, तो DEF से कितने इश्यूज रहते हैं कि गाड़ी अगर आपकी नहीं चल रही है, तो आए दिन DEF से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आता रहता है। तो इसी के साथ गाइज हमें ये कठोर डिसीज़न लेना पड़ा कि हम इस गाड़ी को सेल कर देंगे। कोई बात नहीं, जब हम 4-6 महीने बाद वापस आएंगे, तो क्या पता हम थार 5 डोर लेके आएं, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि महिंद्रा थार 5 डोर 15 अगस्त को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो रही है। बाकी स्टे ट्यून्ड गाइस, अभी आपको चैनल में इंटरनेशनल ट्रिप्स दिखने वाली हैं। इंटरनेशनल हम ट्रैवल करेंगे, तो हम इंटरनेशनल व्लॉग्स भी बनाएंगे, तो उस पर भाई सपोर्ट करना अपने भाई को, क्योंकि हम इस चैनल में अब फिलहाल कुछ टाइम के लिए बहुत नया नया कंटेंट लाने वाले हैं। बाकी हम आपको एक छोटी सी हिंट दे देते हैं कि जिस जगह हम जा रहे हैं ना, उस जगह गाड़ियों का ना बहुत बड़ा सागर है, सागर पिटारा है, तो वहाँ पर हम आपको पता नहीं क्या क्या
कौन कौन सी गाड़ियाँ दिखाने वाले हैं जो मैंने भी अपनी लाइफ में आज तक उन गाड़ियों को कभी देखा नहीं है। तो गाइज स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, होपफुली अपनी इंटरनेशनल ट्रिप को स्टार्ट करते हुए ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।